नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिविल इंजीनियर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्च इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक G+1 रेसिडेंशियल हाउस मैप शेयर करने जा रहा हूं 3D एलिवेशन डिजाइन के साथ। इस प्रोजेक्ट का प्लॉट साइज है 25 फीट 39 फीट और गज में बात करें तो 111 गज। ये प्रोजेक्ट बेस्ट फेसिंग की है। ये प्लान वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्रॉपर्टीज का लोकेशन है रोहिणी बेंगलोर सागवारा सिटी राजस्थान। यदि आप इस प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पर फुल डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़मीन भी आपका रजिस्ट्री होंगे, तो आप कॉन्टैक्ट करें। ये प्रोजेक्ट NRB बिल्डर के द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह फ्रंट एलिवेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके आपको डिटेल्स स्क्रीन पर हो रही है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरह से देख सकते हैं क्या क्या आपको इसमें मिलने वाले हैं। जैसे ही आप घर की तरफ चलते हैं तो आपको ड्राइव वे से 2 एंट्री गेट मिल जाएंगी। एक आपका मेन एंट्री गेट है और एक है गेस्ट के लिए। आप सामने में देख सकते हैं आपका मेन एंट्री गेट है और बगल में आपका गेस्ट के लिए। इस ड्राइववे का आपको साइज मिलते हैं 11 फीट 2 इंच × 15 फीट 5 इंच का। सामने में आपका गार्डनिंग एरिया है और इस गार्डनिंग एरिया का साइज आपको मिलते हैं 8 फीट × 4 फीट का। अब मैं आपको गेस्ट एंट्री गेट से ले चलता हूँ। ये आपका ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम की साइज आपको मिलते हैं 12 फीट × 10 फीट। आप देख सकते हैं कितना मस्त तरीका का इसका इंटीरियर है और सिंपल ही मैंने इसमें रखा हूँ। सामने के वॉल पे आपका वुडन पैनल का डिज़ाइन किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। सामने में आपका TV यूनिट रखे गए है, आप देख सकते हैं। ऊपर में फॉल सेलिंग की डिजाइन की गई है वुडन के साथ। अब मैं आपको ले चलता हूँ डाइनिंग हॉल की तरफ। ये आपका डाइनिंग हॉल है और इस हॉल की साइज आपको मिलते हैं 15 फीट 8 इंच × 10 फीट 8 इंच का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस एरिया में आपका स्टेयर भी इंक्लूड है। आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया बहुत ही अच्छा से एडजस्ट किया गया है और प्रॉपर इसमें सिटिंग स्पेस मिल रहा है डाइनिंग के लिए। सामने में आपका मेन एंट्री गेट था जो कि आपका पर्सनल एंट्री गेट होते हैं, जो कि कार पार्किंग एरिया से आप आ सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम नंबर 1 की तरफ। ये आपका बेडरूम नंबर 1 है जिसकी साइज आपको मिलते हैं 11 फीट 2 इंच × 12 फीट का। इसमें अटैच टॉयलेट बनाया गया है। ऊपर में इसमें फॉल सीलिंग की डिजाइन है। सामने में आपका अटैच टॉयलेट है। ये आपका POP की फॉल सीलिंग की डिजाइन है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अटैच टॉयलेट की तरफ। आप देख सकते हैं इसकी साइज आपको मिलते हैं 4 फीट × 6 फीट 3 इंच का। इस अटैच टॉयलेट का वेंटिलेशन बगल की OTS से होते हैं और बेडरूम नंबर 1 का भी वेंटिलेशन उसी OTS से होते हैं, जहाँ पे आप देखे होंगे सामने में विंडो था। मैं आपको दिखा रहा हूँ वेंटिलेटर इस बाथरूम का, देख सकते हैं आपको वेंटिलेटर दिखे। अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन की तरफ। ये आपका किचन एरिया है और इसकी साइज आपको मिलते हैं 12 फीट × 12 फीट का, जो कि काफ़ी मस्त है। इसमें प्रॉपर OTS प्लस स्टोर एरिया आपका इंक्लूड है और इस
किचन में आपको एक OTS मिलते हैं और एक स्टोर एरिया। आप देख सकते पोर्शन में आपका OTS था जिसकी साइज आपको मिलते हैं 2 फीट 8 इंच × 3 फीट 8 इंच का। ये आपका OTS है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, ओपन टू स्काई। आप देख सकते हैं ऊपर में मेटल जाली लगी हुई है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वेंटिलेशन को प्रॉपर ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। वेंटिलेशन का कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सामने में आपका स्टोर रूम है किचन का जिसकी साइज आपको मिलते हैं 5 फीट 3 इंच × 3 फीट 8 इंच का। अब मैं आपको ले चलता हूँ कॉमन टॉयलेट की तरफ। ये आपका हाथ धुलने के लिए स्पेस है जो कि OTS बेडरूम नंबर 1 और अटैच बाथरूम का OTS इसी के थ्रू होते हैं। इसमें भी मेटल जाली ऊपर में लगे हुए। इसी के बगल में आपको कॉमन टॉयलेट मिलते हैं जो कि ये आपका कॉमन टॉयलेट है और इसकी साइज आपको मिलते हैं 4 फीट × 7 फीट 5 इंच का। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से प्लानिंग है, बहुत मस्त प्लानिंग है। इसका प्रॉपर वेंटिलेटर लगे हुए हैं जो कि पार्किंग गेट से इसका वेंटिलेशन हो रहे हैं पार्किंग एरिया से। इस एरिया में 2 गेट था, आप देख सकते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया था। दोस्तों अब मैं आपको एक पार्किंग एरिया के गेट से ले चलता हूँ। ये आपका मेन गेट है जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ और इस गेट के थ्रू जब आते हैं तो आप डायरेक्ट डाइनिंग एरिया में आते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ऊपर में सैंडी लेयर ये सब लगाया गया है ताकि काफ़ी अच्छा दिखे। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम बनाया गया है और 2 बाथरूम है अटैच बाथरूम। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का हॉल एरिया है, आप देख सकते हैं ये हॉल है। ऊपर में इसमें भी POP की डिजाइन की गई है। इस एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। सामने में आपका बेडरूम नंबर 2 है, आप देख सकते हैं इस बेडरूम नंबर 2 की साइज आपको मिलते हैं 12 फीट × 10 फीट 5 इंच का। इसमें प्रॉपर एक आपको बालकोनी मिल जाते हैं और इसी बेडरूम के थ्रू आप जो ओपन स्पेस बाहर में देखें उसमें इंटर कर सकते हैं। ये आपका बालकोनी एरिया है, 3 फीट 5 इंच वाइड बालकोनी है। ये आपका हॉल था फर्स्ट फ्लोर की। अब मैं ले चलता हूँ बेडरूम नंबर 2 का अटैच टॉयलेट की तरफ। ये आपका अटैच टॉयलेट है और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ऊपर में वेंटिलेटर लगे हुए हैं। इस टॉयलेट की साइज आपको मिलते हैं 10 फीट 9 इंच × 4 फीट 3 इंच का। काफ़ी अच्छी स्पेस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ बालकोनी की तरफ। आप देख सकते हैं ये बालकनी एरिया है। इसी के थ्रू आप ओपन स्पेस में भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ओपन स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पे, ये आपका बालकनी था, ये आपका ओपन स्पेस है।
काफ़ी मस्त डिज़ाइन है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, सर्विस चार्ज क्या होने वाले, वो सारे चीज़ बता दिए जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम नंबर 3 की तरफ। ये आपका बेडरूम नंबर 3 है और इसमें भी अटैच टॉयलेट बनाया गया है। इस बेडरूम नंबर 3 का साइज आपको मिलते हैं 10 फीट 9 इंच गुने 12 फीट का। इसको भी काफ़ी अच्छा से डेकोरेशन की गई है। सामने में इसमें विंडो लगी थी ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन मिले इसको। इसमें आपका अटैच टॉयलेट मिलते हैं जिसके साइज आपको मिलते हैं 4 फीट गुने 6 फीट 3 इंच का। इसका प्रॉपर वेंटिलेशन बगल की ओटीएस से हो रहा है, जो कि वेंटिलेटर लगे हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर बनाया गया है। ये स्टोर का वेंटिलेशन बगल की ओटीएस से हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेटर था। अब मैं आपको ले चलता हूँ ओपन टेरेस की तरफ। ये आपका ओपन टेरेस है। आप देख सकते हैं सामने में आपका ओटीएस था मेटल जाली की। ये आपका ओटीएस का मेटल जाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लान किए जाते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रख कर ही किए जाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड फ्लोर की रूफ की तरफ। आप इस एरिया पर पानी की टैंक और एसी का आउटडोर यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। ओवरऑल आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी प्रोजेक्ट का आपको प्लानिंग और डिज़ाइन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, वहाँ पे नॉमिनल फी पे करने के बाद आपको प्रोजेक्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।